भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के देश दुनिया में लाखों करोड़ों फैंस हैं। फैंस का प्यार क्रिकेट के मैदान पर बखूबी देखने को मिलता है। फैंस विराट कोहली के लिए क्रेजी रहते हैं। वहीं विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बॉलीवुड में भी देखने को खूब मिलती है। बॉलीवुड की हसीनाएं भी विराट कोहली की फैन लिस्ट में शामिल है। विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा भी बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री है। वहीं बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमे उन्होंने विराट कोहली के लिए खास बात कही है। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में छाए हुए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया धरती पर विराट का जोरदार स्वागत किया गया है, जिससे साफ जाहिर है कि विराट कोहली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाए रहते हैं। वहीं बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को इंडिया को गर्व कराने वाला किंग कोहली कहा है। पूरे भारत को विराट कोहली पर गर्व है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री ने भी विराट कोहली की तारीफ की थी। दरअसल 2012 में तमन्ना भाटिया और विराट कोहली के अफेयर की खबरें सुर्खियों में थी। दोनों ने 2012 में एक विज्ञापन कंपनी में काम किया था। हालांकि तमन्ना ने साल 2018 में इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। तमन्ना ने कहा था कि विराट और उन्होंने साथ में विज्ञापन शूट किया था, लेकिन उसके बाद दोनों कभी नहीं मिले। तमन्ना ने कहा था कि विराट के साथ विज्ञापन शूट करना मजेदार अनुभव था। तमन्ना भाटिया और विराट कोहली का अफेयर महज अफवाह थी। दोनों ने इस रिश्ते को सिर से खारिज कर दिया था। वहीं विराट कोहली ने दिसंबर 2017 में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी की थी। दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम वामिका है। तमन्ना भाटिया फिलहाल एक्टर विजय वर्मा के साथ रिलेशनशिप में है। बता दें कि तमन्ना और विजय वर्मा ने वेब सीरीज लास्ट स्टोरीज 2 में काम किया था। तमन्ना भाटिया और विराट कोहली के बीच अफेयर की खबरें साल 2012 में सामने आई थी। दोनों ने एक विज्ञापन फिल्म में साथ में काम किया था, जिसके बाद से इसके अफेयर की चर्चा होने लगी। हालांकि तमन्ना ने साल 2018 में इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि विराट और उन्होंने साथ में विज्ञापन शूट किया था, लेकिन इसके बाद दोनों कभी नहीं मिले। तमन्ना ने कहा था कि विराट के साथ विज्ञापन शूट करना मजेदार अनुभव था। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आ चुकी तमन्ना भाटिया ने अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत की है। वहीं एक्टर की पर्सनल लाइफ भी फिल्मी कहानी की तरह दिलचस्प रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस शूटिंग के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों का अफेयर शुरू हो गया, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगी। कहा जाता है कि इनके रिश्ते में खटास की वजह बनी ब्राजील की एक्ट्रेस इजाबेल लेट, जिसने विराट की नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद तमन्ना ने उनके रिश्ते दूरी बना ली। हालांकि ना तो विराट और ना ही तमन्ना ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल कहा। वहीं जब एक बार तमन्ना ने फिल्म फेयर में शिकायत की थी, तो उसके बाद विराट को लेकर सवाल किया गया था। तब उन्होंने कहा था कि उस एड फिल्म के दौरान मैंने उससे सिर्फ 4 शब्द ही बात की थी और उसके बाद हम दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो एक बेहतरीन को-स्टार है। विराट के बाद उनका नाम साल 2019 में यूएसए बेस्ट फिजिशियन से जुड़ा था। खबरों में ये भी थी कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन इन खबरों को खारिज करते हुए तमन्ना ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा था कि एक दिन ये एक अभिनेता है, दूसरे दिन ये खिलाड़ी है और ये एक डॉक्टर है। इन अफवाहों से ऐसा लगता है जैसे मैं पति खरीदने निकली हूँ, लेकिन मैं प्यार में विश्वास करती हूँ। इस वक्त मैं खुशी से सिंगल हूँ और मेरे माता पिता दुल्हा नहीं ढूंढ रहे हैं। बता दें कि विराट कोहली ने साल 2017 में अनुष्का शर्मा से ब्याह रचा लिया था और दोनों एक बेटा और एक बेटी है और वो उनके पेरेंट्स हैं। हालांकि तमन्ना भाटिया अभी तक कुंवारी हैं और मिस्टर राइट की तलाश कर रही हैं।